पॉट में ही है ये, पानी की व्यवस्था में वो रब। पानी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ खुशी आ चुकी है अंदर दुकान के अंदर और ये झाड़ू लगा रही है। तो उन्होंने कहा पापा जी पहले झाड़ू लगा दो फिर उसके बाद में आप काम करना। तो लगा रही है खुशी झाड़ू और यहाँ कुछ हमारा सामान फैला हुआ है, जैसे ये सेल है, चार्जर है, कैमरे का चार्जर, सेल चार्जर और कैमरे की बैटरी वगैरह, इनको सारा हम बैग में रखेंगे। तो अभी झाड़ू लगाते हैं खुशी, उसके बाद में पूरा सेटअप जमाते हैं और फिर निकलेंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आज हम जा रहे हैं बेडिंग को सूट करने, क्योंकि ये बेडिंग 2022 का पहला मेरा काम है। मेरे पास अभी दो काम है फिलहाल, एक जगह तो हमारे अनिल भाई जाएंगे, वो यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर वो जाएंगे सूट करने और मैं जाऊँगा भोपाल। तो सारी पैकिंग हो चुकी है, ये देख सकते हो इधर इलेक्ट्रिक बैग वगैरह जिसमें अब इलेक्ट्रिक बोर्ड है, पोर्टा लाइट वगैरह, स्टैंड और ये मेरा कैमरे का बैग, इसी के अंदर फोटो वीडियो दोनों है और बाकी की ये बैटरी वगैरह इधर रखी हुई है। इन सब सारी चीज़ों को कलेक्ट कर कर इत्मीनान से फिर निकलेंगे हम लोग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट्स में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो फाइनली निखिल भी आ चुका है रेहटी स्टूडियो पे और अब जाएंगे घर, घर से कैमरा वगैरह उठाकर ले जाएंगे। और इधर आनंद भाई चाय वाले को, पवन भाई को बुला रहे हैं, चाय पिला के विदा करो क्या? हाँ चाय पी के जाओ यार, जरा गर्म होके। चलो ठीक है, सर्दी का मौसम है, गर्म होके जाना चाहिए। तो फाइनली बैग वगैरह हो गए कंप्लीट, हम भी हो गए कंप्लीट, अब निकलने की तैयारी है। और इधर रखे हैं बैग और रखी है गाड़ी, उससे जाएंगे हम मोटरसाइकिल से। निकल तैयार हो? रेडी। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं भोपाल पहुंचने के बाद। ये रहा हमारा मालीवाया चौराहा है, इधर चला जाता होशंगाबाद, सलकनपुर माताजी और सीधे जाएंगे हम भोपाल। माए कोलार रोड छोड़कर हम जाएंगे जेलावाड़ी वाले रोड से। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है जंगल में बंदरों को भोजन ना डालें, यहाँ जहाँ जो बोर्ड लगाए हैं बंदर इतने समझदार है, इस बोर्ड के आजू बाजू भी नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पहले इतने बंदर हुआ करते थे, जो लोग आते थे रास्ते में गाड़ी वाले तो बंदरों के लिए कुछ ना कुछ फल फ्रूट भोजन वगैरह लाते थे और वो रोड किनारे डाल देते, उससे उनका एक्सीडेंट वगैरह होता था, काफ़ी नुकसान, कई बंदर मर जाते थे। इस वजह से ये वन विभाग ने सुरक्षा के हिसाब से ये बोर्ड लगाया है। तो बंदर भी बहुत समझदार है, इस बोर्ड के आजू बाजू आया तो आपको इस बोर्ड से बहुत दूर आगे मिलेंगे, और या फिर आगे अभी दिखाएंगे हम यहाँ पर बंदर हैं। तो दोस्तों ये सामने आपको जो दिख रही है ये बावड़ी बनी, इसमें कभी पहले चोल लुका करते थे, पहले पानी हुआ करते थे यहाँ पर, जो गोंड राजा के हाथी वगैरह यहाँ पानी पिया करते थे, फिर चोरों और लुटेरे थे इसमें लुका करते थे और चोरी वगैरह लूट करते थे इस जंगल के अंदर। अब ऐसा कोई खतरा नहीं है।
दोस्तों, ये पहाड़ी जो घाट है बहुत छोटा सा दिखने में लेकिन काफ़ी खतरनाक डेंजर्स है। ये सीधी गाड़ी यहाँ से उतर जाती है नीचे खाई में, वो बहुत संभाल कर उतारनी पड़ती है। चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा घाट है। तो फाइनली हम घाट के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये रहा निखिल। और कुछ घाट का ऐसा सीन, ये चढ़ाई हम चढ़ के आए हैं और इधर जाना है। ये सारा हमारा सामान अभी रखा है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और एक बड़ी सी छतरी, अब हम नीचे वाले गोले पर रहता था और अब हूँ हम आ गए हैं ऊपर गोले पर, पहाड़ी पर। तो जा रहा हूँ गोला भोपाल जो है वो ऊपर वाले गोले पर है और हमारा जो गांव है वो नीचे वाले गोले पर है। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं फिर वहीं पर। तो इस छतरी पे मैं चढ़ूंगा। तो ये छतरी पे सीढ़ी टूटी फूटी है, काफ़ी संभल के चढ़ना पड़ेगा। तो इधर नीचे भी देखना है मुझे। और तो इसको मोबाइल टावर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर घाट पे कोई कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता है। तो जो भी लोग को मोबाइल से बात करनी है वो इस छतरी के ऊपर आ जाते हैं। और अब दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा, ये देखिए। इस साइड से हम लोग आए हैं, जो नीचे के साइड, और ये ऊपर छतरी से नज़ारा। काफी धुंधला धुंधला हो रहा है अभी इस समय, कोहरा टाइप का। वो आ चुके हैं भाई, थोड़ा सा और बचा है नीचे उतरने में। तो नीचे आ चुके हैं फाइनली, ये देखिए नीचे आ गए हैं। अब चलते हैं, मिलते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ। आपको बताया नहीं है अभी हम जा भोपाल किस लिए, वैसे तो आप सामान देखते हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ उधर से ऊपर से नीचे, बहुत डर लगा मुझे और डरते डरते चढ़ा। वो टूटी टूटती सड़ी है, इंगली इंगल में पैर लग गई है। तो चलो हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ पहुँच कर आपको मिलते हैं। तो चले निखिल, चलो चलो सब हो चुका। तो इधर से मैं कैमरा बैग उठा लेता हूँ, साइड में रख दिया था सुरक्षा के हिसाब से। तो अभी 2:52 हो चुका है, लगभग 3 बज गए और हम पहुँच गए हैं अब्दुल्लागंज और मंडीदीप के बीच में। और ये रहा भोपाल हाईवे 4 लेन, इससे हम लोग जा रहे हैं भोपाल। मंडीदीप, ये एक इंडस्ट्री एरिया है हमारे यहाँ का रायसेन ज़िले का। और ये आप जो भूमि देख रहे हो, ये काफ़ी पहले ऊँची हुआ करती थी। अभी जब 4 लेन तो बना है यहाँ पर, तो उस समय इसकी कटाई करके इसको आटे को नीचे करा गया है। आप देख सकते हो पहाड़ी कटी हुई है और उसी को पार करने के लिए इस
बोल रहे हैं पाँच किलो के लिए इस पहाड़ी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं ब्रिज नज़र आ रहा है। ये वो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भोपाल रामेश्वरम कॉलोनी के साथ में ही है ये पानी की व्यवस्था में बोल रहा हूँ। हम लोग आए थोड़ा दूर से प्यासे हैं तो ज्यादा पानी भर रहा टैंकी यही पे इवेंट का कार्यक्रम है करने हम लोग पहुंच चुके हैं बाग से मिया रामेश्वरम कॉलोनी चल रही है इधर। तो माता पूजन चालू हो चुकी है और आ चुके हैं मंदिर और गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, रात को ज़्यादा लेट हो गए थे। गणेश पूजन सबसे पहले माता पूजन का कार्यक्रम निपटाने के बाद गणेश पूजन हुई, हल्दी हुई, 12-1 बज गए थे तो नींद लग गई, तो उसका कल के ब्लॉग का आज एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं अब एडिटिंग का काम, फिर करते हैं फटाफट से अपलोड। टाटा बाय बाय।